किसी से प्यार करते हो? अगर करते हो ना तो मुझे बता देना, मैं मॉम से सिफारिश करूंगा। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? ए, कहीं चुपके से तुमने शादी तो नहीं कर ली? नहीं स्वयं बेटे, शुभ का विवाह अभी नहीं हुआ। ब्रिलियंट, तो फिर मैं अपने छोटे के लिए लड़की ढूंढूंगा। बिल्कुल पायल जैसी। स्वयं बेटा, सबसे मिलिए, डैड से नहीं मिलोगे? सॉरी डैड। खुश रहो बेटा। बेटा, तुम्हारी अभी अभी तबीयत ठीक हुई है, तुम्हें आराम करना चाहिए। वैसे भी घर में सब लोग हैं ना, इनसे बाद में बात करना, चलो आराम कर लो। हाँ बेटा, अब ठीक कह रही है मॉम। सी यू लेटर गाइस, माय क्यूटी मॉम, सबसे प्यारी मॉम। डैड, ये सब क्या चल रहा है? डैड, ये स्वयं भैया आस्था की तस्वीर को पायल की तस्वीर क्यों कह रहे हैं? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है डैड। आई एम वेरी सॉरी, ये तो होना ही था। मैं तो शुरू से ही कह रही थी कि मत भेजो आस्था को जीर्जी के रूम में, लेकिन कोई मेरी बात सुने तब ना। अब देख लिया आपने, देख लिया आप सब लोगों ने, जेठ जी आस्था को पायल समझ रहे और ठीक होने की बजाय और पागल हो रहे हैं। जेठ जी, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। चुप! तुम सब चुप। स्वयं ठीक हो गया है, पागल नहीं है वो, बिल्कुल ठीक है। और वो जो कुछ कह रहा है गलत नहीं कह रहा है। वो तस्वीर पायल की है, आस्था की नहीं। आस्था पायल की हम शक्ल है। आस्था पायल की हम शक्ल शहल है। इसका मतलब वाकई स्वयं भैया पायल समझ कर मुझे मारना चाहते थे। स्वीटी मॉम, मेरी क्यूटी मॉम, मेरी सबसे प्यारी मॉम, मेरी सबसे अच्छी मॉम, मेरी सबसे बेस्ट मॉम, यहां बैठिए। मुझसे ढेर सारी बातें करो ना मॉम, जैसे आप पहले किया करती थी। मॉम,
क्या हुआ मॉम, आप चुप क्यों हो? देखना, एक बार पायल इस घर में आ जाए तो फिर मैं आपकी इतनी नहीं 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 इतनी सारी शिकायतें करूंगा पायल। समझ गया, इतने सालों में मेरे लिए प्यार कम हो गया आपका। नहीं पागल, ऐसा हो सकता है क्या कि कोई माँ अपने बेटे को प्यार ना करे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा सबसे प्यारा बेटा मेरे सामने बैठकर फिर से पहले की तरह बात कर रहा है। आपको यकीन दिलाने का एक तरीका है मेरे पास, बताऊं? अब मेरे बालों में हाथ फेर कर मुझे सुलाओ मॉम, आपको यकीन हो जाएगा कि आपका बेटा आपके पास है। क्यों किया पापा आपने ऐसा? आपने इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपाई। आप पहले से जानते थे ना कि पायल मेरी हमशक्ल है, उसके बाद भी आपने मुझे नहीं बताया, क्यों? हमें पायल की लिखी सच्चाई उसकी डायरी में मिली और अब वो स्वयं भैया के सामने आए और वो ठीक हो गए और उसके बाद वो तस्वीर, उस तस्वीर की सच्चाई ने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया। आपने क्यों किया ऐसा? क्यों पापा? जवाब दीजिए डैड, आपकी चुप्पी की वजह से आस्था की जान भी जा सकती थी, क्यों छुपाई आपने ये बात? बोलिए डैड, चुप क्यों हैं? वरराज के पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। शो हमने जिस दिन आस्था को देखा था उसी वक्त मैंने वनराज को आगाह किया था, लेकिन वनराज के दिमाग में एक ही बात घर कर गई और वो थी स्वयं को ठीक करने की। बेटे के प्यार ने वनराज की आंखों में पट्टी बांध दी थी। वाई डैड, वाई? किसने दिया आपको हक आस्था की जिंदगी दांव पे लगाने का? आखिर किसने दिया आपको यह हक? मेरी मजबूरी ने दिया था मुझे हक। स्वयं की खुशियां एक तरफ, दूसरी तरफ मेरे पिताजी का और रनावत परिवार का मान सम्मान था। यह संभव है असंभव? एक तवाइफ रानावत परिवार की पुत्र वधू कभी नहीं बन सकती है। नहीं वनराज, नहीं, मैं तुम्हें रानावत परिवार की मान मर्यादा को खंडित करने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। मैंने बहुत कोशिश की बेटा, लेकिन पिताजी मानने के लिए तैयार नहीं है। दादाजी नहीं मान रहे तो उसमें मेरी प्रॉब्लम नहीं है पापा। मैं पायल से प्यार करता हूं, मैं पायल को नहीं छोड़ सकता। पायल मेरी जिंदगी है पापा, और उसके बिना एक पल भी जीना मेरे लिए नामुमकिन है। स्वयं की यह जिद हम पूरी नहीं होने दे सकते, और अगर तुम उसकी यह जिद पूरी करना चाहते तो तुम्हें अभी और इसी वक्त यह निर्णय लेना होगा कि इस घर में तुम्हें किसकी उपस्थिति चाहिए, अपने पिता की या बेटे की। अरे पिताजी। नहीं वनराज, इस परिवार का रिश्ता एक कोठे वाली के साथ कभी नहीं जोड़ सकता, जिसकी ना तो कोई इज्जत है, ना कोई आबरू और ना ही कोई परिवार। दादा और पोते की जिद ने मुझे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। मुझे कुछ ना कुछ तो खोना ही था। तोड़ दिया मैंने अपने बेटे का दिल,
कह दिया उससे, पायल जिससे वो प्यार करता है वो धोखा है, उसका प्यार महज नाटक था सिर्फ पैसे बटोरने के लिए। Disgusting, Dad. हाँ बेटा, मुझे भी बहुत ग्लानी हुई थी जब मैंने उस मासूम का दिल तोड़ा था, शायद उसी की हाय लगी है मुझको, इसलिए मेरा बेटा मेरा स्वयं पागल हो गया। मुझे अपने किए की सजा तो मिलनी ही थी, सो मुझे मिली। हाँ बेटा, आस्था बेटे, मैं तुम्हें सफाई देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच में मेरे बेटे के प्यार ने मुझे सोचने के काबिल नहीं छोड़ा था। मैं कोई रास्ता ढूंढ रहा था, मैं सोच रहा था कि ऐसी कोई उम्मीद की किरण दिखे जिससे मैं स्वयं को ठीक कर सकूं, और वो उम्मीद की किरण मुझे उस दिन दिखी जब मैंने पहली बार तुम्हें अपने होटल में देखा था। बेटा, मैं तुम्हें देखकर ये सोच रहा था कि मैं तुम्हें कैसे मनाऊंगा, लेकिन तभी शुभ ने आकर ये बताया कि वो तुमसे प्यार करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। मुझे लगा शुभ ने मेरी सारी उलझनें सुलझा दी। मैंने तुम दोनों की शादी साफ मन से की, ये सोचकर कि एक दिन मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा और तुम्हारी मदद से मैं स्वयं को ठीक करने की कोशिश करूंगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मैं तुम्हें कुछ बताता इससे पहले तुम खुद स्वयं के पास चले गई। मैं चाहता तो तुम्हें रोक सकता था, लेकिन मैंने स्वयं के लिए तुम्हें नहीं रोका। बेटा, मैं स्वयं से बड़ा तुम्हारा गुनाहगार हूं। माफी पाने जैसा मैंने कोई काम नहीं किया बेटा, फिर भी हो सके तो आज तक माफ कर देना ताकि इस दुनिया से चैन से जा सकूं। वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। डैड, प्लीज आप आस्था के सामने हाथ जोड़कर अब उसे और शर्मिंदा मत कीजिए। इस वक्त सवाल आपको माफ करने का नहीं है, बल्कि सवाल तो यह है कि अब जो हुआ है उसे हम लोग बदलेंगे कैसे। स्वयं भैया अगर आस्था को देखेंगे तो वो तो उसे पायल ही समझेंगे ना। दादाजी, जो कुछ भी आज हुआ उसमें गलती सिर्फ डैड की नहीं, आप भी उतने ही कसूरवार हैं। आज तक जो होता है क्या वो कम था जो आपने आज स्वयं भैया के ठीक होने पर उनसे ये कह दिया कि मेरी शादी नहीं हुई? इसका मतलब तो यही हुआ ना दादाजी कि अब जिंदगी भर हमें स्वयं भैया के सामने नाटक करना पड़ेगा, अब आस्था को छुपा के रखना पड़ेगा जिस तरह स्वयं भैया को छुपा के रखा था। इस महाकांड को खत्म करने का केवल एक ही उपाय है, स्वयं को आस्था की असलियत बताना। मुझे लगता है दादाजी ठीक कह रहे हैं। हाँ, हमें स्वयं भैया को ये सच्चाई बता देनी चाहिए कि ये आस्था है जो पायल की बस हम शक्ल है और कुछ नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। स्वयं अभी अभी तो गुमनामी की जिंदगी से लौट कर आया है, एक हादसे से उभर कर अभी उसने ठीक से सांस तक नहीं लिए, और आप लोग उसे दूसरा सदमा देकर उसे फिर गुमनामी की जिंदगी में धकेल देना चाहते हैं। सलोचना, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, प्लीज समझो। ये आप कह रहे हैं? उस वक्त आपने अपने आप को क्यों नहीं रोका जब मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि आस्था को स्वयं के सामने जाने से रोकिए। आप जानते हैं ना, स्वयं को छोटी छोटी बातें भी असर कर जाती, इतनी
इतनी बड़ी बात आप लोग उससे कैसे कह सकते हैं? मैं आप लोगों के हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे स्वयं के चेहरे पर बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट लौटी है, उसे इतनी जल्दी मत छीनिए। बेटा, तुम एक पल के लिए भी ये मत सोचना कि तुम्हारी माँ खुद घर से अपने छोटे बेटे की जिंदगी से खुशियों को छीनकर बड़े बेटे की जिंदगी को आबाद करना चाहती। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि फिलहाल स्वयं को आस्था की सच्चाई नहीं बताई जाए। बेटा, थोड़े दिनों बाद सही मौका देखकर हम लोग स्वयं को ये बात बता देंगे। ठीक है मॉम, हम आस्था की सच्चाई स्वयं भैया को नहीं बताएंगे। मॉम, उसके लिए हमें आस्था को स्वयं भैया की नजरों से दूर रखना होगा, जिसके लिए मुझे बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि मैं आस्था को लेकर वापस लंदन चला जाऊं।